अभी चल रहा है खतरनाक फोटो शूट निकॉन 750D से, और ये कौन सा है, कैनॉन 80D ये कैनॉन 80D है। तो अभी लाइटिंग वगैरह मैं जैसा कि आपको बोला था यहाँ बहुत ही अच्छा लगा है। तो आज थोड़ा सा मजाक किरकिरा हो गया क्योंकि बारिश हो गई, तो जहाँ से वीडियो ख़त्म हुआ डांस करते करते हुए वहाँ से बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी, लेकिन हम लोग डांस करते करते घर आए, रुके नहीं भाई, बहुत ही डांस किया है। उसके बाद थोड़ा चेंज वगैरह किए, शार लिया, उसके बाद हम रेडी हुए हैं, अब फोटो शूट हो रहा है दुल्हन का। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। गाइस आपने कल देखा, हमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया। तो अभी हम लोग सुबह उठे हैं, अभी कुछ 9 बज रहे होंगे, 9-10 हो रहे होंगे। एंड आप जानते ही हो कि कल बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, हम लोग बारिश में बहुत डांस किए हैं और यहाँ आके भी डांस किए हैं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। वैसे कल कोई
स्पेशल डांस वगैरह कुछ था नहीं, वो हल्दी सेरेमनी का डांस था, लेकिन आज मेन है, आज हल्दी है एंड संगीत है और मेहंदी भी है, मेहंदी भी है ना, हाँ तो हल्दी 25 बार लगेगा रानू को, ठीक है, एंड उसके बाद मेहंदी होगा, फिर उसके बाद संगीत होगा, तो संगीत के लिए यहाँ फिर से स्टेज हम सजाएंगे, क्योंकि ये जो हम लगाए थे कल ये भीग गया, नीचे गिर गया, बहुत ज़्यादा पानी आया, लेकिन हम फिर से करेंगे और फिर से यहाँ सजाएंगे और माहौल जमा देंगे, ठीक है। तो आज का आपको पूरा कंटेंट दिखाते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एसएल एंजल टीवी से आज क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, मैं डेकोरेट कर रही हूं। मेरे को दीदी से कहना मैं कल नहीं बना। अरे ये बदमाशी कितना कर रहे हैं, मेरी ये खराब होगी ना तो मैं सबको लाइन से मारूंगी। सेंटा क्लॉज हेलो दोस्तों, ये फूल है, यहाँ देखो, यहाँ हाय, ये फ्लावर्स है, हम उसको उस फ्रेम में लगाएंगे। आप क्या कर रही हैं? मैं इसको देख रही हूँ कि ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बट मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ खास लग रहा है। आप सब देखिए ना, कमेंट तो में बताना कैसा लग रहा है। फ्रेम बता रहे हैं, वैसे बना तो रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है इसे, अभी और रैप करना है गेंदा फूल से। तो एस एल एंजल BTS चल रहा है, यहाँ डांस प्रैक्टिस हो रही है। कैसी चल रही है डांस? मेरी बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है। आपकी क्या हो रही है? ये लेट्स है, अच्छी चल रही है, मतलब ऐसे, मतलब अच्छी होती है। बज रहे हैं 8 और फोटो शूट तो दूर की बात भाई, अभी किसी ने मेहंदी भी नहीं लगाई है, ठीक है, और संगीत अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। तो रानू मतलब अंजलि का 3 बजे कुछ मेहंदी लगना चालू हुआ था और अभी कुछ 8 बज रहे हैं, अभी तक मेहंदी लग ही रहा है, नहीं पता वो मेहंदी लगा रही है कि टैटू बना रही है, और गुल्लू अभी भी मेहंदी लगा रही है। मेरा लग चुका है, बस मैं उंगलियों को भर रही थी। हाँ, तो उंगलियों का इसका डिस्ट्रॉय हो गया था, किसके कौन डिस्ट्रॉय कर दिया था? कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया था, मेरे को काम रहता है इसलिए मैं भरी नहीं। अच्छा, तो नहीं पता यार क्या होगा, लेकिन बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी माहौल बन रहा है धीरे धीरे, और बिना नाचे तो हम सोते नहीं हैं जायसवाल लोग, ठीक है। तो नाच गाना तो चलेगा ही फुल, एंड वी आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, मतलब लाइव अभी क्या चल रहा है वो दिखाता हूँ, ठीक है आपको। आज डांस करना है ना? हाँ हाँ हाँ, दूसरे बरेली वाले पे आते ये अपना रामेश्वर खास आदमी लड्डू बना रहे हैं। अरे मेहंदी लगी का मेहंदी वो दिखा दा उजा को के, मतलब खाना खाई होकर बाहर डांस हो रहा है कि 8 बजे है किसे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, टाइम लिमिट नहीं है।
की डांस तो सब करने के लिए करते हैं। तो अभी सब हो गया है, डांस वगैरह जितने भी आप सब देखे बहुत ही मजा किया हमने। तो अभी बज रहे हैं कितने, एक बज रहे हैं, एक बार, तो अभी एक बार हो रहा है और कल सुबह हमें 9:30 बजे निकलना है। लेकिन अभी चल रहा है GTA 5। क्यों भाई नहीं जाना क्या कल? कल का कल देखा जाएगा। तो अभी GTA 5 खेल रहे हैं अंकित साहब, ठीक है। तो भाई मैं तो अब सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मतलब नींद थोड़ा कम आ रहा है लेकिन थकावट बहुत है क्योंकि डांस बहुत किया है और कल बहुत ही काम होने वाला है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ सोने, आपसे मिलते हैं कल सुबह, ठीक है, गुड नाइट। मैंने घर से व्लॉग चालू किया तो वहाँ मैंने बहुत सारा चीज़ शूट किया था, लेकिन माइक का जो पोर्ट होता है वो आधा निकला हुआ था तो उसमें साउंड कुछ नहीं आया है। तो अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग अंबिकापुर आ गए हैं, जितना भी मैं व्लॉग किया था प्रतापपुर में वो सब किसी तरह दिखाऊंगा ही, ठीक है। तो अभी हम लोग आ गए हैं अंबिकापुर और अभी हम लोग थोड़ी देर में इंद्रवाटिका जाएंगे जहाँ शादी हो रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले शॉपिंग ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक आज शादी है लेकिन शॉपिंग अभी तक चलेगी क्योंकि कोई भी शादी परफेक्ट नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ छूट जाता है ना, किसी का पर्दा, किसी का चुन्नी, किसी का दुपट्टा, किसी का मोजा, जैसे कि मेरा टाई। हाँ भैया, हमने टाई नहीं लिया और आज शादी है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे मार्केट तरफ एंड शॉपिंग करेंगे, फिर उसके बाद इंद्रवाटिका जाएंगे, ठीक है, सही है। और फिर बाल वाल भी तो सेट कराने हैं तो वो तो शाम को, ठीक है। सो नाउ वी हैव रीच्ड द लोकेशन, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग। एंड थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ, अभी डेकोरेशन चल रहा है और तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा शादी हॉल है, इंद्रवाटिका बोलते हैं इसे,
एंड अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हमें रूम्स भी मिले हैं, और इन केस अगर बारिश होती है तो यहाँ पर एक हॉल भी है, इंडोर हॉल, ठीक है। तो इन केस अगर बारिश हुआ तो अंदर होगा जयमाला, और अगर बारिश नहीं हुई तो इतना बड़ा आप देख ही रहे हैं। तो इसके सिनेमैटिक शॉट आप देखेंगे कुछ देर में, ठीक है। पहले मैं ऊपर जाऊँ अपने रूम्स वगैरह देख लें और दोस्तों के रूम देख लें, बहुत सारे रूम मिले हैं, तो उसको किसको किसको देना है, उफा उफा जो भी हैं। तो ये रहे बाहर के ऐसे कुछ सीन्स, तो चलते हैं अभी ऊपर। कैसा लग रहा है आपकी बेटी की शादी है आज? मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। और दुख नहीं हो रहा है? नहीं, बहुत खुशी हो रही है। चल जाएगी आज, दुख होना चाहिए थोड़ा दुख होगा जाने के बाद। अब शादी है ना दीदी का, तैयारी करना गुल्लू, जल्दी करना गुल्लू, अब क्या कर रहे कैमरा के साथ? तो अभी हम लोग रूम में आ गए हैं, लेकिन भूख लग रही है। तीन चीज बर्गर, दो मैक्सिकन पिज्जा विद एक्स्ट्रा। तेरे नाल पाया मेरा की कसूर। तो अभी हम लोग फोटो शूट करा रहे हैं, और जितने भी टैग्स वगैरह हैं, आपके पास क्या टैग है? तो इनके पास ये वाला टैग है, ठीक है। और अभी मैं सबका टैग दिखाता हूँ आपको। गुल्लू आपका टैग क्या है? लिपस्टिक एंड लिप्स। सौम्य तुम्हारा, आई केम फॉर द फूड। आपका फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये गलत बात, ये प्रमोशन हो रहा है, ये नहीं चलेगा। आपका क्या है? आई बिलीव इन माई सेल्फ। स्टाइलिश मामा, आप मामा थोड़ी हैं, भाई हैं। जुगाड़ू भाई। ये है क्या? कजिन, ठीक है। तो ऐसे कुछ सीन्स है भाई, अभी बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हम लोग को अभी और टाइम मिल गया है, ऐसा न्यूज़ आया है। तो इमली रात को घुटाएगा, ठीक है, तो अच्छा टाइम मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो शूट आएंगे। मैं आपको फोटो सारी दुनिया तो वखरा है तेरा रे, करके है क्लब च बवाल, यो कुड़ी कौन नचदी। तो ये बहुत ज्यादा फनी वीडियो बन रहा है, आपको ये इंस्टाग्राम में दिखेगा। ऐसे लिंजल का क्या है आज अपडेट बताइए। आज कुछ नहीं, आज मुझे बहुत गुस्सा आई क्योंकि मेरे साथ कोई वीडियो नहीं। ड्रामेबाज, ये देखो मैं कहां आज, ये बताइए आप। अब हम दीदी की शादी हो रही है ना, जिस जहां वो तो सबको पता है, नाम बताइए कहां है। इंद्रवाटिका। हां जी। अच्छा, और कुछ आप बोलना चाहेंगी? कुछ नहीं, हम कहीं ऊपर जाएंगे, फिर आपको पूरे ऊपर का व्यूज दिखाएंगे। ओके। अच्छा ये बताओ, ऊपर जाके करना क्या है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक सेकंड, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं बाबू, मैं क्या बोलूं? देखना डंडा घुमाते घुमाते बोला। आप अभी तक रिकॉर्डिंग चालू किए हैं तो बहुत क्या क्या बोलना चाहते हो आप लोग? बहुत खुशी हो रही है, एक साइड से खुशी भी हो रही है, और हम लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं एंड इसके लिए अपने फोटो के लिए। तो कितना किलो मेकअप आज प्लान है? बस 5 किलो। 5 किलो का मेकअप, ओके। और आपका कितना किलो का रहेगा? ज्यादा नहीं, 1-8 किलो। मैं रैंडम ले लिया 100 रुपया। थोड़ा हम लोग का भी ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा मार दीजिएगा, गोबर ओबर चल जाएगा। मैं व्हाइट पुट्टी ले आऊं, लंबे लंबे सिल की जयमाल, तो अभी थोड़ा सा आराम करके हम लोग अभी जा रहे हैं, बाल सेट करा रहे हैं, और किसी किसी को हेयर कट करवाना है तो वो भी करवाने जा रहे हैं। 7-8 बजे मेन फंक्शन चालू होगा। लड़के वाले अभी तक यहाँ नहीं आए हैं क्योंकि वो लोग कल्याणपुर से ही आएंगे, कल्याणपुर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है, तो वहीं से बारात लगेगी और फिर सब यहाँ आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बाल सेट कराने जा रहे हैं। अभी बाल सेट लग रहा होगा, लेकिन वैक्स से जो सेट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि रात भर जगना है, इसीलिए वैक्स से कराने जा रहे हैं। हाँ तो भैया आ गए हैं हेयर्स, और क्यों आए हैं आपको अभी पता चल रहा होगा। ये जो बाल है ना, ये ऐसे हो जाते हैं, मतलब ये सीधा नहीं रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ, सबका अपने घर ही वाले हैं, सबका बाल सेट हो रहा है, और गुल्लू का भी बाल सेट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। yeah.
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सुबह कि भाई शॉपिंग अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी मेरे को टाई लेना है, सुजल को टाई लेना है, कुशल को सॉक्स लेना है और आयुष के लिए भी सॉक्स लेना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पेप जींस और पेपे जींस, पता क्या बोलते हैं, तो यहाँ जा रहे हैं अभी, ठीक है। सस्ते नहीं लेते, बहुत महंगे लेते, बहुत महंगे, ये सस्ते लोग नहीं है अपन। ओहो लड़के, पेपे जींस गए तो थे बड़े सस्के से, लेकिन मिला नहीं वहाँ, ठीक है। अब यहाँ है नॉस्ट्रम में, सस्ता नहीं चाहिए, महंगा चाहिए, नहीं है, है टाई नहीं है। तो अभी अंजलि तैयार हो रही है, अंजलि बोलना पड़ता है भाई, शादी हो रही है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, गुल्लू भी तैयार हो गई है, एकदम चमक रही है, धमक रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा प्राइवेसी दे देते हैं, ठीक है। मेरा बाल सेट हो गया है एंड थोड़ी देर में यहाँ निकलेंगे यहाँ से। अरे सौम्य क्या लग रहे हो, क्या सौम्य क्या लग रहे हो, इधर इधर। तो टाई मिल गई है भाई, और टाई अनमोल में मिला भाई, अनमोल वाला बहुत ही अच्छा टाई रखता है, ठीक है। तो टाई मिल गया है, बाल सेट है, अब जा रहे हैं रेडी होने। तो आपसे रेडी होके मिलते हैं, ठीक है। डेकोरेशन आई नो बहुत ही अच्छा है, गाड़ी भी दिखा लो, और ये गाड़ी चमक गया है दीदी का। तो भाई मैं रेडी हो गया हूँ, पीछे पूरे गेस्ट आ गए हैं, और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा व्लॉग करते हुए, क्योंकि मेरे पास कैमरा है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद बारात आ जाएगा, करीब 9 बजे, अभी आधा घंटा टाइम है, तो हम लोग को स्वागत करना है, इसके बाद मैं व्लॉग नहीं कर सकता। मेरे हाथ में अभी 2 मिनट के लिए कैमरा आया है, और मेरे कैमरे का बैटरी कुछ 10% है। तो देखो मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं सकता, लेकिन अब जो भी करूँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट करूँगा। फिलहाल हम लोग फोटोशूट कर रहे हैं, और कर क्या सकते हैं वेडिंग में, व्हाट इज ये देखो दोनों हेलो हेलो, छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि ये मैंने एडिट किया है, अभी दिखा रहा हूँ। वो स्टूडियो वाला था वो एकदम बेकार बनाया था, लेकिन मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि ये प्री वेडिंग मैंने एडिट किया है, और ये यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं, दीदी और जीजा यहीं पर हैं, और मुझे मतलब पता नहीं चल रहा है मैं क्या बोलूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अंजलि और जीजा जी, आप इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से, इसको घुमाइएगा ज़रूर हर महीने, ठीक है, और इसको फुलके खिलाने ले जाइएगा अंबिकापुर, बहुत ही पास है, शॉपिंग भी होनी चाहिए, लेकिन
मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्यार करिएगा बहुत, ठीक है? हाँ बोलिए। ओके ठीक है, तो ये कुछ मैं सोच के रखा था पहले से कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं यहाँ बोलूँगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं, जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार कर। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल। एक दो तीन तीन जाना है। ओके चीज चिल्लाना बस। अरे पूरा ये बंगड़ा जब होएगा हमने चा 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 संग चाची बंगड़ा।